ओस्टियोपोरोसिस। दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि आखिर ओस्टियोपोरोसिस नाम की जो बीमारी है वो क्या होती है। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि ओस्टियोपोरोसिस का मतलब कुछ ना कुछ हड्डी से रिलेटेड है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है जिसमें आमतौर पर हमारी हड्डियाँ अंदर से खोखली हो जाती है, यानी कि जो बोन डेंसिटी है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। ऐसे में होता क्या है कि हमारे हड्डियों के बीच में जो बोन्स डेंसिटी होती है वह काफ़ी कम होती है और उन खाली जगहों पर मांस भर जाते हैं। ऐसे केस में हमारी हड्डियां अंदर से काफ़ी हद तक कमज़ोर हो जाती हैं। हालांकि ये देखने पे पता तो नहीं चलता, लेकिन जांच करने पर ज़रूर पता चलता है। ऐसे में अक्सर हड्डियाँ टूटने का रिस्क रहता है, क्योंकि ये पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक कमज़ोर होती हैं। अब इसके पीछे के बहुत सारे कारण हैं कि ये क्यों होते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि इसके जो शुरुआती सिम्टम्स होते हैं वह हमारे शरीर के हिप्स पर, स्पाइन पर और यहाँ तक कि रिस्ट पर अक्सर देखे जाते हैं। हालांकि इसके पीछे के बहुत से कारण हैं क्यों होते हैं ये, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। देखिए, ओस्टियोपोरोसिस होने के कई कारण हैं। अगर हम आदमियों की बात करें तो आदमियों में लगभग 55 साल से लेकर 60 साल की उम्र में जब टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन का लेवल घटता है तो हमारी हड्डियाँ लगभग कमज़ोर होने लगती हैं, जबकि महिलाओं में ये बात बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। अब उसके पीछे के जो कारण है वो ये कि महिलाएं ज़रूरत से कम सन के लाइट में जाती हैं, यानी कि वो अक्सर धूप से बचती हुई दिखाई देती हैं और उनमें होने वाले खान पीने में गड़बड़ी की वजह से भी अक्सर होता है, विटामिन्स की कमी और सबसे ज़्यादा कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। अब आप समझ गए होंगे कि ओस्टियोपोरोसिस होता क्या है, इसका असर आदमी और औरतों पर कैसे पड़ता है। चलिए इससे बचने के भी कुछ उपाय बता देते हैं। देखिए, अगर आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे जो हम आपको बता रहे हैं, जैसे मिल्क का ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना, पनीर खाना, बीन्स खाना, फिश खाना और विटामिन डी के जितने भी सोर्सेज हो सके उनको लेना, एग खाना और सबसे बड़ी बात धूप में निकलना। धूप में न निकलने की वजह से भी हमारी हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके बहुत काम आएंगी। वर्ल्ड ओस्टियोपोरोसिस डे पर हमारी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल न्यूज़ था।